चूरी परियोजना के रैयतों की लंबित नौकरी की मांग को लेकर 15 मार्च से अनिश्चितकालीन बंदी की घोषणा के बाद सोमवार की शाम ढकरा महाप्रबंधक कार्यालय में प्रबंधन की ओर से वार्ता बुलाई गई। वार्ता में महाप्रबंधक संजय कुमार के द्वारा रैयतों को नौकरी की प्रक्रिया में हो रही देरी की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द नौकरी देने की बात कही गई। इस बात को नकारते हुए रैयतों ने कहा कि लगातार नौकरी देने के आश्वासन मिलते आ रहा है, बावजूद फाइल जहां तहां अटकी पड़ी है। अब 15 मार्च से चूरी परियोजना का काम बंद कराते हुए सभी रैयत अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। वार्ता में सहमति नहीं बनने के बाद वार्ता स्थगित हो गया। प्रबंधन की ओर से वार्ता में परियोजना पदाधिकारी कमल मांझी, सर्वेयर अरुण कुमार, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के जोनल अध्यक्ष रतिया गंजू, एरिया अध्यक्ष इरफान खान, राय पंचायत की मुखिया शीला देवी, राजेश महतो, अशोक महतो, भुवनेश्वर महतो, तरुण महतो, शीतलाल महतो, नागेश्वर महतो, वीरेंद्र महतो, लोकनाथ महतो समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सीजीएम कार्यालय में जो बैठक रखी गई थी उसमें जैसा पदाधिकारी की जो रवैया है उनको संतुष्ट लायक नहीं रहा, इस चलते हम लोग 15 तारीख के जो बंदी घोषणा किए हैं वो रह गए। हम लोग को इनके प्रबंधक जी एम सर हम लोग को वार्ता में बुलाए थे, हम लोग आए टाइम पर। वार्ता हमें जो जिस तरह का वार्ता हुए वार्ता में हम लोग को पॉजिटिव नहीं लगा, जिसके कारण से जो हम लोग 15 तारीख के जो बंदी का घोषणा किए हैं अनिश्चितकालीन का, वो बंदी हम लोग का आगे जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग को संतुष्टि जवाब जी एम सर के माध्यम से नहीं है, इनके प्रबंधन के ऐसे नहीं है। चूरी रैयत जो 15 मार्च को बंदी का जो घोषणा किया है, आज मुख्य महाप्रबंधक एन के एरिया के कार्यालय में वार्ता के लिए प्रबंधन की ओर से हम रैयतों को बुलाया गया, और जो वार्ता में जो बात हुई उसमें हम रैयत लोग संतुष्ट नहीं हुए, और जो हम लोग 15 मार्च को जो बंदी रखे हैं वो बंदी रहेगा।